सीक्वेंसेस एंड सीरीज हम लोग कर रहे हैं। आज हम लोग को जीपी स्टार्ट करना था। सो सीक्वेंस A1, A2, A3, An इज कॉल्ड ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन इफ ईच टर्म इज नॉन जीरो एंड AK plus 1 by AK is equal to R, which is a constant. So, ratio of two consecutive term is always constant. So, when the ratio of two consecutive term is constant, so उसको हम लोग क्या बोल रहे हैं? बोलेंगे कि ये एक ऐसा sequence है जिसका ratio common है, constant है, common ratio है. तो वो जो AK plus 1 divided by AK हम लोग करते हैं, this comes to be equal to R, which is known as the common ratio. So by letting A1 is equal to A first term, we obtain a geometric progression. तो देखो जैसे ये अगर k का वैल्यू 1 डाल दोगे तो ये क्या हो जाएगा, A2 by A1 is equal to R हो गया। A1 को हम कह रहे हैं कि A ले लो, तो A2 by A is equal to R, so इससे हमारा A2 का वैल्यू A into R हो गया। उसी तरह A3 by A2 is also equal to R. So, इससे हमारा A3 is equal to A2 into R हो जाएगा। A2 है हमारा AR, इससे R को मल्टीप्लाई कर दोगे तो AR स्क्वायर हो गया। तो वही चीज हम कह रहे हैं कि यहाँ पे जो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन होगा अब किस फॉर्म में होगा, AR, AR स्क्वायर, AR क्यूब एंड सो ऑन। तो यहाँ पे बेसिकली जैसे AP में हम लोग DD एड करते जाते थे, यहाँ R से मल्टीप्लाई करते जाएंगे। फर्स्ट टर्म्स को आर से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेकेंड टर्म मिलेगा, सेकेंड को फिर से आर से मल्टीप्लाई करेंगे तो थर्ड मिलेगा, थर्ड को मतलब इसको हम लोग आर से मल्टीप्लाई किए तो सेकेंड मिल गया, सेकेंड को आर से मल्टीप्लाई किए तो थर्ड मिल गया, थर्ड को आर से मल्टीप्लाई किए तो फोर्थ मिल गया एंड सो ऑन। हियर ए इज कॉल्ड द फर्स्ट टर्म, ए को हम लोग फर्स्ट टर्म कहते हैं एंड आर इज कॉल्ड द कॉमन रेशियो। So A is known as first term and R is known as common ratio. Therefore, ये जो nth term, general term of a GP is given as AN is equal to AR n minus 1. So हमारा general term of GP is AR n minus 1. A into R raised to the power n minus 1 हो गया general term. So does a GP can be written as AR, AR square, AR cube, AR n minus 1 and so on, where AR, AR square, AN minus 1 according as GP is finite or infinite. So अगर हम लोग AR n minus 1 पे रुक जाएंगे जब finite है और डॉट 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 करके लिख दिया, मतलब ये इनफाइनाइट जीपी हो गया ये वाला, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे लास्ट टर्म हमें नहीं पता है। द सीरीज ए प्लस ए आर प्लस ए आर स्क्वायर, यही अगर सीक्वेंस और सीरीज में डिफरेंस हम लोग जानते ही हैं कि भाई कॉमा से सेपरेट करके हर टर्म को लिखते हैं तो उसको सीक्वेंस कहते हैं, और जब उन सबको एड करते चले जाते हैं वही सीरीज बन जाता है हमारा। सो अब यहाँ पे ए प्लस ए आर प्लस ए आर स्क्वायर एंड सो ऑन करके प्लस ए आर एन माइनस वन तक लिख दें, सो दिस इज कॉल्ड फाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज, और ये वाला जो हो जाएगा हमारा इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज। क्लियर है यहां तक बच्चों? यस सर। यस नमन। यस सर। समझ में? जी सर। सर दूसरे पे आ जाते हैं। द सम टू एन टर्म्स ऑफ अ जीपी, सो लेट द फर्स्ट टर्म ऑफ अ जीपी बी ए एंड द कॉमन रेशियो बी आर, सो लेट अस डिनोट बाय SN द सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ जीपी। ठीक है, ये सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स हो गया। सो सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ए प्लस ए आर प्लस ए आर स्क्वायर प्लस ए आर एन माइनस वन। नाउ अगर यहाँ पे फर्स्ट केस इफ आर इज इक्वल टू वन होता है तो SN क्या हो जाएगा, सम ऑफ एन टर्म्स, ए ए ए एन टाइम्स सबको ऐड कर देंगे तो एन इंटू ए हो जाएगा।
अब सेकेंड केस जब आर इज नॉट इक्वल टू वन, तो वहां पे हमारा जो बेसिकली जो समेशन होगा, सो एस एन इज इक्वल टू ए इंटू वन माइनस आर एन बाय वन माइनस आर, और इसको ए इंटू आर एन माइनस वन बाय आर माइनस वन भी कर सकते हैं। ये तब करते हैं वेन आर इज लेस देन वन, ठीक है, और ये तब लिखते हैं जब आर इज ग्रेटर देन वन। क्लियर है बच्चों? यस सर। लिख लो फॉर्मूला, दोनों फॉर्मूला एक जगह लिख लो, एक तो nth टर्म tn कर लो या an कर लो, इज arn माइनस वन, ठीक है, सम ऑफ n टर्म्स इज a वन माइनस आर रेस टू द पावर n बाय वन माइनस आर, या ये, तो ये तीन फॉर्मूला तुमको याद रखना, दो फॉर्मूला बेसिकली, so you can remember these two formulas, this will help you solve all the questions. likh liya bachcho? yes sir. ninth example is find the 10th and nth term of the gp 5, 25, 125 and so on. A है हमारा 5. Common ratio निकाल लो. R is equal to क्या हो जाएगा? A2 by A1 कर लो. 25 by 5, that is 5. तुम्हें 10th term निकालना है. A10 is equal to AR10 minus 1. मतलब 5 into 5 raised to the power 9. तो ये क्या हो जाएगा? 5 raised to the power 10 हो जाएगा. ठीक है? और यही nth टर्म, देखो a10 में 5 रेस टू द पावर 10 है, तो an करोगे तो सीधे लिख दो 5 रेस टू द पावर n, एक ही बात, ठीक है। क्लियर है बच्चों? यस सर। यस सर। लिख लिया सबने? यस सर। यस। टेंथ क्वेश्चन कह रहा है विच टर्म ऑफ द जीपी, हमारे पास जीपी दे रखा है 2, 8, 32 एंड सो ऑन अप टू एन टर्म्स इज 131072, मतलब हमें ए एन का वैल्यू दे रखा है, ए एन है ए आर एन माइनस वन, हमारे पास ए का वैल्यू है 2, कॉमन रेशियो है 8/2 विच इज इक्वल टू 4, सो ए एन मतलब 131072 is equal to 4 into r, मतलब sorry 2 into 4 raised to the power n minus 1. अब तुम क्या करो, 4 raised to the power n minus 1 will be 131072 divided by 2. So ये हम लोग करते हैं, so 131072 2 से डिवाइड कर दो, 65536. अब आप क्या करो, यहाँ पे 4 रेस टू द पावर n माइनस 1 है, सब इसका 4 का पावर निकाल लेते हैं, फिर 4 से करेंगे, तो कितने 4 हो गए, 3, 3, 6 और 2, 8, 4 रेस टू द पावर 8,
So that means 9, n minus 1 is equal to 8. So n is equal to 9. ठीक है. So ये क्या आ जाएगा? Ninth term of GP. Clear है? Yes, sir. लिख लिया सभी ने? यस. इन अ जीपी द थर्ड टर्म इज 24. ए थ्री इज इक्वल टू 24 एंड द सिक्स्थ टर्म इज 192. ए सिक्स इज 192. फाइंड द टेंथ टर्म. ए टेन का वैल्यू हमें निकालना है. A3 is 24 का मतलब हो गया A raised to the power R3 minus 1 is 24. मतलब AR square is equal to 24. अब ये AR6 minus 1 is 192 और AR6 minus 1 sorry. So AR5 is equal to 24. सॉरी 192. अब इन दोनों को डिवाइड कर लो फर्स्ट और सेकंड. हमें क्या करना है? टू डिवाइडेड बाय वन करना है. टू डिवाइडेड बाय वन करेंगे ए आर फाइव डिवाइडेड बाय ए आर स्क्वायर 192 बाय 24. एट टाइम्स हो गया और यहाँ पे ये आर क्यूब हो गया. ठीक है. सो आर क्यूब इज 8, दैट इज 2 क्यूब. सो आर इज इक्वल टू 2 हो गया. आर का वैल्यू 2 किसी में भी सब्स्टिट्यूट कर लो, इसमें कर लेंगे तो ए इंटू 2 स्क्वायर इज 24. तो 24 बाय 4 6 हो जाएगा. ए का वैल्यू 6 हो गया. ए 10 निकालना है. ए आर 9 हो जाएगा 10 माइनस 1. So, मतलब 6 into 2 raised to the power 9. So, 6 into 2 raised to the power 9, 512 है. So, 3072. Clear है? Clear है बच्चों? Yes, sir. लिख लीजिए जल्दी. सर हम सितंबर तक 3D ज्योमेट्री कर लेंगे. आ रहा है क्या 3D ज्योमेट्री? Yes, sir. सितंबर कितने तारीख को एग्जाम? सर डेट्स नहीं आए अभी. अप्रोक्सीमेटली सेकंड वीक फर्स्ट वीक क्या? सर फर्स्ट वीक कह रहे हैं. तो तुम्हारा क्या ये स्ट्रेट लाइन कॉनिक सेक्शन भी आ रहा है? नो सर, सिर्फ 3D ज्योमेट्री आ रहा है, बाकी परमुटेशंस तक. सिर्फ 3D ज्योमेट्री आ रहा है ना? Yes, और बाकी इधर शुरू में कहाँ तक? परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का. अच्छा, तो मैं पहले 3D ज्योमेट्री करा दूंगा, उसके बाद फिर, क्योंकि ये लंबा है, स्ट्रेट लाइन कॉनिक सेक्शन लंबा है. सीक्वेंसेस सीरीज के बाद मैं 3D ज्योमेट्री करा दूंगा. और किसी का कोई चैप्टर छूट रहा है जो एग्जाम में आने वाने वाला है? किसी के? तुम लोग का ये श्रीराम मिलेनियम तुम लोग का क्या चल रहा है भाई? सर ट्रेगो. ट्रेगो सर. और कब तक चलेगा? इसके बाद क्या क्या है, क्या क्या कर लियो तुम लोग? सर हमने सारी सेम ही चीज की है जो अब तक किया है, बस प्रोबेबिलिटी है.
चलो यही दोनों पहले कर लेंगे, प्रोबेबिलिटी और इंट्रोडक्शन टू 3D ज्योमेट्री, ये दोनों कर लेंगे, उसके बाद फिर आगे हम लोग करेंगे, ठीक है। Let's move to the next one. Find the sum of the first n terms and the sum of the first 5 terms of the geometric series. That's a series humne likha hai. 1 plus 2 by 3 plus 4 by 9 and so on. ठीक है? ये हमारा geometric series है. Sum of first n terms, देखो a is equal to 1 है. R का वैल्यू लोगे तो दिस इज 2/3, सेकेंड टर्म बाय फर्स्ट टर्म कर दो। अब सम ऑफ n टर्म्स इज a टाइम्स, देखो R क्या है, 1 से छोटा है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, 1 माइनस आर रेस टू द पावर n बाय 1 माइनस आर, ठीक है। सो दिस इज इक्वल टू a इज 1 इंटू 1 माइनस 2/3 रेस टू द पावर n डिवाइडेड बाय 1 माइनस 2/3। So this is 1 minus 2 by 3, 1 by 3 हो जाएगा, वो ऊपर आ जाएगा, 3 into 1 minus 2 by 3 raised to the power n, ठीक है। Now sum of first 5 terms, S5 निकालना है तो हम लोग इसको लिख लेंगे a into, मतलब basically 3 into 1 minus 2 by 3 raised to the power 5, डायरेक्ट फॉर्मूला यूज कर लेते हैं यहाँ पे, 3 इंटू 1 माइनस 32 बाय 243, सो दिस इज 3 इंटू 243 माइनस 32 इज 211 डिवाइडेड बाय 243, 81 हो जाएगा यहाँ पे, सो 211 अपॉन 81। क्लियर? क्लियर है बच्चों? यस सर। लिख लिया ना? यस सर। अब कह रहा है हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द जीपी 3 3 बाय 2 3 बाय 4 आर नीडेड टू गिव द सम 3069 बाय 512। सो हमें निकालना है, सो हमारा a इज इक्वल टू 3 हो गया, R इज इक्वल टू 3/2 डिवाइडेड बाय 3 कर लो, मतलब 1/2 मिलेगा तुम्हें, ये 3 और ये 3 कैंसिल हो गए, R का वैल्यू 1/2 है। नाउ R नीडेड टू गिव सम, सो Sn इज इक्वल टू, R का वैल्यू फिर से 1 से कम है, तो 1 माइनस R रेस टू द पावर n बाय 1 माइनस R, सो मतलब 3069 by 512, 3 into 1 minus 1 by 2 raised to the power n, 1 minus 1 by 2. So, इससे आ जाएगा 3096, ये क्या करो, 3 से इसको कट कर लो, 1024 हो जाएगा, और 1024 by 512 करेंगे, तो, sorry, 3096 है ना, 1032 हो जाएगा, ठीक है। नाउ अब ये 1032 डिवाइडेड बाय 512, सर नंबर 3069 है, सर जो सम है वो, हाँ ठीक 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 ठीक
3069 by 512 हो गया ना, तो ये 1023 हो जाएगा कट के, राइट? सो 1023 डिवाइडेड बाय 512 इज इक्वल टू 1 माइनस 1 बाय 2 रेस टू द पावर n, 1 माइनस 1 बाय 2 1 बाय 2 हो जाएगा, ये 2 आके ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, सो इसको इस तरफ लेके आएंगे तो 1023 बाय 512 इनटू 2 कर दोगे 1024 इज 1 माइनस 1 बाय 2 रेस टू द पावर 9, इसको इधर ले आओ तो 1 by 2 raised to the power n is 1 minus 1023 by 1024. So, ये जो value है, हमारा आ जाएगा 1024 minus 1023, 1 हो गया, 1 divided by 1024. So, this is 1 by 2 raised to the power 10 हो गया. तो n का value 10 हो गया. Clear है? क्लियर है बच्चों? यस सर, यस सर, लिख लिया आप लोग ने? हाँ सर, लिख लिया. द सम ऑफ द फर्स्ट थ्री टर्म्स ऑफ ए जीपी इज 13/12. तो फर्स्ट थ्री टर्म्स मींस, देखो जब जीपी लेते हैं ना एंड देयर प्रोडक्ट इज माइनस वन, तो जैसे वहां पे ए माइनस डी ए और ए प्लस डी लेते थे, यहाँ ए बाय आर ए और ए आर लेंगे. सो दीज आर द थ्री टर्म्स ऑफ द जीपी. जब हम कंसेक्यूटिव टर्म्स लेंगे तो ए बाय आर ए और ए आर लेना है, जैसे वहां ए माइनस डी ए और ए प्लस डी लेते थे. क्लियर है सबको? अब देखो इससे क्या फायदा होता है कि प्रोडक्ट जब निकालते हैं ना माइनस वन, तो यहाँ आर का वैल्यू कैंसिल हो जाएगा, मतलब ए बाय आर इंटू ए इंटू ए आर, प्रोडक्ट क्या हो गया माइनस वन, तो ये आर और आर कैंसिल, ए क्यूब माइनस वन है, मतलब ए का वैल्यू क्या हो गया माइनस वन हो गया, ठीक है. एंड और उसका जो सम ऑफ फर्स्ट थ्री टर्म्स, मतलब ए का वैल्यू माइनस वन है, तो माइनस वन बाय आर प्लस ऑफ माइनस वन प्लस ऑफ माइनस वन इंटू आर इज इक्वल टू 13/12. अब यहाँ पे माइनस वन को कॉमन ले लो, तो यहाँ पे 1 बाय आर प्लस वन प्लस आर इज माइनस 13/12. एलसीएम ले लेंगे, 1 प्लस आर प्लस आर स्क्वायर बाय आर इज माइनस 13/12. क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो हमारा जो वैल्यू है, सो ये वैल्यू आ जाएगा 12 प्लस 12 आर स्क्वायर इज माइनस 13 आर, और 12 आर स्क्वायर प्लस 25 आर प्लस 12 इज इक्वल टू 0. 144 होता है और 16 9, सो 12 आर स्क्वायर प्लस 16 आर प्लस 9 आर प्लस 12 इज 0. 4R कॉमन ले लेंगे, 3R प्लस 4 हो गया, 3R कॉमन ले लेंगे, 3R प्लस 4 हो गया, सॉरी 3 कॉमन ले लेंगे, 3R प्लस 4 हो गया, 4R प्लस 3 इंटू 3R प्लस 4 इज 0. सो R इज इक्वल टू माइनस 3 बाय 4 और R इज इक्वल टू माइनस 4 बाय 3. सो दीज आर द टू वैल्यूज, ठीक है, माइनस 3/4 एंड माइनस 4/3. अब टर्म्स निकालना है, ए का वैल्यू माइनस वन डाल के कोई भी एक वैल्यू ले लो माइनस 3/4. ए का वैल्यू माइनस वन डालोगे, माइनस वन डिवाइडेड बाय दिस माइनस 3/4 कॉमा माइनस वन कॉमा माइनस वन इंटू माइनस 3/4. सो हमारा जो टर्म्स आएगा वो होगा 4/3, 1 और 3/-1.
क्लियर है बच्चों? क्लियर है बच्चों? यस सर। लिख भी लिया ना? हाँ सर। 15th क्वेश्चन, ये देखो ये अच्छा क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन काफी पूछा जाता है, कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में भी काफी पूछा जाता है। फाइंड द सम ऑफ द सीक्वेंस 777777777 एंड सो ऑन अप टू एन टर्म्स। सो एसएन हमें निकालना है 7 प्लस 77 777 7777 एंड सो ऑन अप टू एन टर्म्स, ठीक है। अब यहां पे क्या करो, तुम 7 को कॉमन ले लो, तो यहां हो जाएगा 1 प्लस 11 प्लस 111 1111 एंड सो ऑन एन टर्म्स तक। अब क्या करो, यहां 9 से डिवाइड भी करो और 9 से मल्टीप्लाई भी करो, तो 9 प्लस 99 up to n terms. 7 by 9, अब 9 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 10 माइनस 1, 99 को 100 माइनस 1, 999 को 1000 माइनस 1 और 9999 को 10,000 माइनस 1, इस तरह से चलता जाएगा n टर्म्स तक। 7 बाय 9, तुम क्या करो, अब 10 100 ये सबको साथ में कर लो, मतलब 10 प्लस 10 स्क्वायर प्लस 10 क्यूब प्लस 10 टू द पावर 4, nth टर्म में क्या होगा, 10 टू द पावर n हो गया, माइनस ऑफ 1 प्लस 1 प्लस 1, ये कब तक जाएगा, n टर्म्स तक जाएगा, तो 1 को n टाइम्स ऐड करोगे तो n हो जाता है। ये 7 बाय 9, ये देखो ये तुम्हारा जीपी मिल गया है ना, इसका फर्स्ट टर्म 10 है और कॉमन रेशियो भी 10 है, a इनटू 1 माइनस r रेस टू द पावर n, ये देखो टोटल n प्लस 1 टर्म्स है, a इनटू a यहाँ पे 10 है, a इनटू r रेस टू द पावर n माइनस 1, सो 10 रेस टू द पावर है ना, यहाँ पे 10 रेस टू द पावर n माइनस 1, ठीक है, यहाँ पे n तक गया हुआ है, राइट, तो n तक गया हुआ है, तो यहाँ पे डिवाइडेड बाय 10 माइनस 1, ठीक है, माइनस ऑफ n हो गया, ये 1 को n टाइम्स ऐड किया था, सो दिस इज इक्वल टू 7 बाय 9 इंटू 10 raised to the 10 into 10 raised to the power n minus 1 divided by 9 minus of clear hai bachcho yes sir
लिख लिया? यस सर। सिक्सटीन्थ है, अ पर्सन हैज टू पेरेंट्स, फोर ग्रैंड पेरेंट्स, एट ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स, पहला जनरेशन में टू हो गया, उसके ऊपर फोर, फिर एट एंड सो ऑन। फाइंड द नंबर ऑफ हिज एंसेस्टर ड्यूरिंग द 10 जनरेशन प्रीसीडिंग हिज ओन, है ना, 10th टर्म तक, अप टू 10 टर्म्स, राइट। हमें n इज इक्वल टू 10 पे ए एन निकालना है, ए एन इज ए आर एन माइनस वन, ए है 2, आर जो है 2 रेज टू द पावर 10 माइनस वन, तो ये हो जाएगा हमारा 10। सारे एंसिस्टर्स को जोड़ के बोल रहा है, सॉरी ए एन नहीं एस एन निकालने बोल रहा है, ठीक है। फाइंड द नंबर ऑफ हिज एंसेस्टर्स ड्यूरिंग द 10 जनरेशन, सो एस एन निकालने बोल रहा है, एस एन इज इक्वल टू ए आर रेस टू द पार एन माइनस वन बाय आर माइनस वन, ए का वैल्यू है 2, आर का वैल्यू 2 रेस टू द पार 10 माइनस वन डिवाइडेड बाय 2 माइनस वन, सो 2 इंटू 2 रेस टू द पार 10 इज 1024 माइनस वन, so 1023 into 2 is 2046, this is the number of ancestors which he has. Done? Yes sir. अब ज्योमेट्रिक मीन देखो, एरिथमेटिक मीन क्या था, a प्लस बी बाई टू था, ज्योमेट्रिक मीन रूट अंडर ए बी होता है, a और b के बीच का ज्योमेट्रिक मीन रूट अंडर ए बी होता है। कैसे, मान लो a और b के बीच में ज्योमेट्रिक मीन निकालना है, मान लो a ज्योमेट्रिक मीन जी एम और b, ये क्या हो जाएगा जीपी में हो जाएगा। अगर ज्योमेट्रिक मीन a और b के बीच में निकालना है, मान लो वो ज्योमेट्रिक मीन जी एम है, a जी एम और b जीपी में होगा, तो ज्योमेट्रिक मीन डिवाइडेड बाय ए इज इक्वल टू बी बाय ज्योमेट्रिक मीन, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लोगे, ज्योमेट्रिक मीन का स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी, तो ज्योमेट्रिक मीन इज इक्वल टू रूट अंडर ए बी होता है। तो ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन टू नंबर्स इज रूट अंडर ए बी, सो देयरफॉर अब अगर हम लोगों को एन ज्योमेट्रिक मीन्स इसके अंदर इंसर्ट करना है, राइट, जैसे हम लोग एन अरिथमेटिक मीन इंसर्ट कर रहे थे, so let's say we have to insert n numbers between two positive numbers a and b, a और b के बीच में हम लोग को दो n positive numbers geometric means insert करना है। तो अब देखो a और b के बीच में n numbers introduce कर रहे हो, ये पहला हो गया, ये first हो गया, ठीक है, तो ये b कौन सा term हो जाएगा, n plus 2th term हो जाएगा, हो जाएगा ना, बी एन प्लस टू एथ टर्म, एन टर्म्स बीच में है, ये पहला टर्म वन एक और हो गया एन प्लस वन, और ये बी क्या हो जाएगा, एन प्लस टू एथ टर्म हो जाएगा, सो बी इज एन प्लस टू एथ टर्म, तो हम लोग इसको सॉल्व कर लेंगे, बी इज इक्वल टू, मतलब एन प्लस टू एथ टर्म जो है ए एन प्लस टू इज बी विच इज इक्वल टू ए आर एन प्लस टू माइनस वन, तो ये क्या हो गया ए आर एन प्लस वन, तो वही चीज यहाँ पे बता रहा है, बी इज इक्वल टू ए आर एन प्लस वन, तो आर का जो वैल्यू होगा है ना, सो ए आर एन प्लस वन ये बी के बराबर है, आर एन प्लस वन बी बाय ए है, तो आर का वैल्यू क्या होगा, बी बाय ए रेज टू द पावर वन बाय एन प्लस वन, तो n प्लस वन एथ रूट निकाल लेंगे तो b का वैल्यू r का वैल्यू निकल जाएगा, r का वैल्यू जब निकल गया तो अब सारे ज्योमेट्रिक मीन निकाल सकते हो तुम, g1 क्या हो जाएगा, फर्स्ट ज्योमेट्रिक मीन, ये सेकेंड टर्म है, सो दिस इज a इंटू r, a इंटू r मतलब r का वैल्यू जो यहाँ पे है इसको सब्सटीट्यूट कर लेंगे, g2 के लिए ए आर स्क्वायर हो जाएगा, तो r के जगह यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर लिया, g3 इज ए आर क्यूब, r के जगह ये सब्सटीट्यूट कर लिया, एंड सो ऑन। अगर जी एन निकालना होगा ए आर एन है तो ए इंटू बी बाई ए रेस टू द पावर एन बाई एन प्लस, इज इट क्लियर, कॉन्सेप्ट क्लियर है, फॉर्मूला नहीं याद करना, वहां पे हम लोग निकाल लेंगे सॉल्व करना।
जैसे बेसिक इस तरह से सॉल्व करना है वैसे सॉल्व कर लेंगे, बस तुमको ये कॉन्सेप्ट समझाने के लिए ये जनरल टर्म्स में निकाला हुआ है। क्लियर है आप लोग को सारे को कॉन्सेप्ट सभी बच्चे को? यस सर। यस सर। निहारा जाना? यस सर। ग्रेट, लेट्स गो टू द नेक्स्ट वन। जैसे ये एग्जांपल दे रखा है, इंसर्ट थ्री नंबर्स बिटवीन 1 and 256 सो दैट द रिजल्टेंट सीक्वेंस इज अ जीपी। मतलब तुमको तीन ज्योमेट्रिक मीन डालना है 1 और 256 के बीच में, 1 G1 G2 G3 और 256। तो मेरा ये जो 256 है, ये पहला दूसरा तीसरा चौथा ये पांचवा टर्म हो गया। 256 क्या हो गया? A5 हो गया बेसिकली। सो और जो फर्स्ट टर्म है वो क्या है? 1 है। तो A इज इक्वल टू 1 हो गया और A5 इज इक्वल टू AR4, दिस इज इक्वल टू 256। A के जगह 1 डाल दो, R raised to the power 4 is 256। इसको क्या लिख सकते हैं? सो बेसिकली अगर हम लोग इसको 4 के पावर्स में देखेंगे तो हमें पता है 4 4 16, 4 64, 4 256 होता है। 4 raised to the power 4 हो गया, तो यहाँ पे R का वैल्यू क्या हो गया? 4 हो गया, राइट? तो R का वैल्यू यहाँ पे 4 हो गया। अब हम लोग यहाँ पे कैलकुलेट करना शुरू करते हैं। G1 क्या है? मेरा सेकेंड टर्म है। सेकेंड टर्म क्या होता है? A into R होता है, मतलब 1 into 4, 4 हो गया। उसी तरह G2 जो है AR square है, so this is 1 into 4 square, 16 हो गया। G3 जो है AR cube है, 1 into 4 cube, this is 64 हो गया, ठीक है? तो 4, 16 और 64 को हम लोग इसके बीच में इंट्रोड्यूस कर, हम लोगों ने कुछ पाप कर दिया यहाँ पे। अनिन ठीक है, हम लोग ने पाप ये किया है कि R raised to the power 4 जो 256 किया था, R का वैल्यू 4 और माइनस 4 दोनों आएगा, क्योंकि माइनस 4 का भी रेस्ट टू द पावर 4 करोगे तो 256 ही आता है। क्लियर है बच्चों? यस सर। तो यहाँ पे तुम अगर R का वैल्यू 4 लोगे तो ये वैल्यूज होंगे, R के वैल्यू माइनस 4 लोगे, है ना, तो तुम्हारा जो वैल्यू आएगा AR का, तो ये आ जाएगा बेसिकली माइनस 4, 16 और माइनस 64। बट बिकॉज तुमको बोल रहा है कि थ्री नंबर्स बिटवीन 1 and 256 बोल रहा है, तो ये तो 1 के बीच में नहीं है, ये भी 1 से इधर हो गया, 1 और 256 के बीच में, तो यही सारे होंगे, तो यही लेना। क्लियर है बच्चा? यस सर। तो दिस इज नॉट द आंसर। व्हाई? बिकॉज इट डज नॉट लाई बिटवीन माइनस, डज नॉट लाई बिटवीन 1 and 256। हो गया सबका? लिख लिया सबने? यस सर। यस सर। नेक्स्ट पे चलते हैं। रिलेशनशिप बिटवीन एरिथमेटिक मीन एंड ज्योमेट्रिक मीन निकालने बोल रहा है। सो आप देखो, एरिथमेटिक मीन इज इक्वल टू क्या होगा? ए प्लस बी बाई टू हो जाएगा। ज्योमेट्रिक मीन हमारा रूट अंडर ए बी है। अब इन दोनों के बीच में रिलेशन निकालने बोल रहा है, तो अब a माइनस जी आप देखोगे, a माइनस जी इज इक्वल टू a प्लस बी बाय टू माइनस रूट ए बी। तो बेसिकली ये जो पूरा जो टर्म है a प्लस बी माइनस टू रूट अंडर ए बी, दिस इज, दिस कैन बी रिटन एज रूट ए माइनस रूट बी का होल स्क्वायर। Now this whole thing, this is a positive quantity because it is a square of something. So square by 2, मतलब square of something divided by 2, square of any number is positive. So this whole thing is greater and equal to 0. So that means a minus g is greater and equal to 0. That means arithmetic mean is always greater and equal to geometric mean. ये एक
बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है जो इनइक्वालिटीज के क्वेश्चंस में काफी यूज होता है. क्लियर है? ये तुम इसका एप्लीकेशन आईआईटी वाले बच्चे काफी देखेंगे. इनइक्वालिटीज में काफी यूज होता है, काफी क्वेश्चंस इनइक्वालिटीज के इससे हम लोग बनाते हैं. मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट कि एरिथमेटिक मीन बिटवीन टू नंबर्स इज ऑलवेज ग्रेटर एंड इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन. इज इट क्लियर? यस सर. नेक्स्ट पे चलते हैं. If arithmetic mean and geometric mean of two positive numbers a and b are 10 and 8, arithmetic mean means a plus b by 2 is equal to 10, root under ab is equal to 8. तो इसको लिख सकते हैं a plus b is equal to 20 और यहाँ पे square कर लेंगे तो ab is equal to 64 आ गया. ठीक है, अब हम लोग को पता है a plus b का whole square is equal to a square plus b square plus 2ab. मतलब 20 square 400 is a square plus b square plus 2 into 64. मतलब a square plus b square is equal to 400 minus 128. इसको solve करेंगे 272 हो गया. ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हमारा निकल गया 272. अब हमें पता है ए माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab. सो दिस इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यूज कर लो, 272 माइनस 2ab मतलब माइनस ऑफ 2 इंटू 64. सो 272 माइनस ऑफ 144 हो गया. सो अब इससे आ जाएगा हमारा a माइनस बी इज इक्वल टू प्लस माइनस 12 हो गया. राइट, अब इसको सॉल्व कर लो तो अगर हम a माइनस बी को 12 लेते हैं, a प्लस बी हमारा 20 है, इनको ऐड कर देंगे 2a इज इक्वल टू 32, तो a इज इक्वल टू 16, b इज इक्वल टू 4 हो गया. और अगर ये a माइनस बी को माइनस 12 लोगे, a प्लस बी को 20 लेंगे, सॉल्व कर लेंगे तो हमारा 2a इज इक्वल टू माइनस 12 प्लस 20 इज 8, ए इज इक्वल टू 4, बी इज इक्वल टू 16. ठीक है, तो 16 या 4 या 4 16, कोई भी दो नंबर ले जाए. क्लियर है? यस सर. लिख लिया सबने? यस सर. ये फटाफट तुम लोग करना शुरू करो. तुम्हारा जो होमवर्क होगा 1 से लेके 10 तक क्वेश्चन करना है तुमको, एक्सरसाइज 9.3 का. शुरू के क्वेश्चंस इजी हैं इसीलिए होमवर्क दे रहे हैं तुमको, है ना. 11th ऑनवर्ड्स हम लोग क्लास में करेंगे तो एक दिन तो 10-15 क्वेश्चन कर पाते हैं. इसमें 32 क्वेश्चन है, दो दिन लगेगा एक्सरसाइज करने में. तुम्हारा होमवर्क 1 से 10 है, पहला क्वेश्चन से स्टार्ट करो करना तुम लोग. अभी क्लास में भी 2-3 क्वेश्चन तुम्हारा हो जाए.
here I find the 20th and nth term of this GP. Dekho, A is equal to 5 by 2 hai. R is equal to 5 by 4 divided by 5 by 2. 1 by 2 ho gaya. R ka value. Ab hume 20th term nikalna hai. A 20 is equal to AR 20 minus 1. So, matlab 5 by 2 into 1 by 2 raised to the power 19. 5 divided by 2 raised to the power 20. Or nth term nikalna hai AN. 5 divided by 2 raised to the power n. Clear hai? Yes, sir. Clear, sir? Naman, ho jayega na 10 question to? Yes, sir. Sir, main try karunga ki jaldi kar lu. नहीं जल्दी नहीं कर लो तुम टाइम पे ही करना जल्दी करके क्या करोगे 10 क्वेश्चंस करने हैं मंडे तक तुमको करना ठीक है ओके सर हमारा भाई सब का क्या हाल है सर नमूनचंद सब सर पता नहीं सर कहाँ है सर सर उदयजीत से बात हुई थी आज उदयजीत के बारे में नहीं पूछ रहा अच्छा सार्थक और भावुक सर सार्थक को सर जानवर सा बन गया सर पता नहीं कितने बार उगा लिए कर क्या रहा है वो क्या चीज कर रहा है साइंस पढ़ रहा है कॉमर्स पढ़ रहा है क्या पढ़ रहा है सर सर कॉमर्स ही पढ़ रहा है वो भी कॉमर्स एंड मैथ्स अच्छा नंबर कितने आए थे उसने तो नंबर भी नहीं बताया अपने सर 78% थे शायद मैथ्स में कितने सर ऐसे उसने बताया नहीं सर मतलब पर्टिकुलर नंबर थे और ये भावुक पास वास कर गया कि नहीं सर कुछ सर सर ये सर सर पास तो कर गया अच्छा अच्छा मैथ्स में जस्ट ही पास था शायद मैथ्स में नहीं साइंस में यस सर फर्स्ट हो गया सबका हाँ सर Second question कह रहा है, find the 12th term of a GP whose 8th term is 192 and the common ratio is 2. So 8th term means AR 8 minus 1 is 192. R का value 2 दे रखा है question. So that means A into 2 raised to the power 7 is 192. A is equal to 192. 2 raised to the power 7 means 128 होता है ठीक है सो ए का वैल्यू निकालेंगे so, 2 से कर लो 64 3 बाई 2 हो गया ए का वैल्यू 12th टर्म ए 12 इज इक्वल टू ए आर 11 हो गया 3 by 2 into 2 raised to the power 11. So 3 by 2 into 2048. 1024 से मल्टीप्लाई कर लो 3 को 3072 हो जाता है. क्लियर है? यस सर. चलो बाकी 8 तुम्हारा होमवर्क है. कुछ होमवर्क भी करो. पढ़ते लिखते तो होंगे तुम लोग. ठीक है, I'll send you some questions on AP also, जिससे कि तुम्हारा वीकेंड अच्छा बीते. नहीं, दो दिन छुट्टी है ना कल सैटरडे संडे. चलो, I'll stop here. Rest we'll do in the next class. Okay. Thank you, sir.